गावस्कर, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। पूरा विश्व अभी कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, पर भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा पर आतंकियों के घुसपैठ करने की भी कोशिशें लगातार जारी है। वहीं कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवानों ने आतंकियों के हमले में शहीद हो गए, जिसमें बिहार के रहने वाले एक शहीद जवान राजू शर्मा का पार्थिव शरीर आज सोमवार को पटना हवाई अड्डा सेना के जहाज से लाया गया, जिनकी अंतिम विदाई लेने सेना के अधिकारियों सहित सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे और उनको अंतिम विदा देने के लिए उनके पार्थिव आवास वैशाली उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया। ठीक है, जो आतंकी हमला हुआ उसमें सोपोर जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। हमारे सीआरपीएफ के 3 साथी शहीद हुए और हेड कांस्टेबल राजीव शर्मा उनमें से एक थे। आज उनके मॉर्टल रिमेन्स शहीद के यहाँ पर आए हैं पटना एयरपोर्ट पे, हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और अभी उनके पैतृक गांव जा रहे हैं वैशाली में, वहाँ पर भी सम्मान दिया जाएगा और सीआरपीएफ के तरफ से जो भी संभव होगा हम। हेलो हेलो हेलो, प्लीज प्लीज। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।